डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। अब ये क्या होता है इसके स्टेटमेंट में देखते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स टू एस्टर्स बाय द ट्रीटमेंट विद परएसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर कीटोन्स को जो है एस्टर में चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ परएसिड या हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखिए, ये आप लोगों को पता भी होगा कि कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और अगर बहुत डिफिकल्टी से हम कराएं भी तो वो अंडर जैसे ड्रास्टिक कंडीशन हो भी जाता है, लेकिन कीटोन से जनरली एसिड ही बनते हैं। लेकिन अगर कीटोन से एस्टर्स बनाने हो तो हम बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन को यूज करते हैं। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि जिन एस्टर्स को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है उनको हम विद द हेल्प ऑफ बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन बना लेते हैं। अब इसमें पैरासिट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। अच्छा, पैरासिट का मतलब क्या हुआ? जो नॉर्मल एसिड, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, C डबल बॉन्ड O और OH। अगर हम उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दें तो वो हो जाएगा पर एसिड, यानी पर एसिटिक एसिड। तो जब भी कभी पर लिखा होगा PER एसिड्स में, तो इसका मतलब उसमें एक ऑक्सीजन जो होगी वो एक्स्ट्रा होगी। तो पर एसिटिक एसिड, जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, इसमें एक ऑक्सीजन जो है हमने एक्स्ट्रा दिखाई है। ऐसे ही पर बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? C6H5COOH, तो इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ऐसे ही ट्राईफ्लोरो पैरासिटिक एसिड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब ट्राईफ्लोरो पैरासिटिक एसिड कैसे, फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोगों को वैसे पता भी होगा। जैसे CH3 है, अगर इसके तीनों एच को हम फ्लोरीन एटम से डिस्प्लेस कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ट्राईफ्लोरो पैरासिटिक एसिड। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक एसिड होता है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, यानी इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं MCPBA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, और इसकी हेल्प, इसका फॉर्मूला क्या होगा? मेटा पोजिशन पर क्लोरीन प्रेजेंट है और ये हमारा जो पर एसिडिक ग्रुप है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो रखा है। और हम यूज़ कर सकते हैं पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। अगर हम एक ऑक्सीजन उसमें एक्स्ट्रा कर देंगे तो वो पर एसिड हो जाएगा, तो H2SO5। या फिर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड भी इसमें ले सकते हैं। तो ये कुछ पर एसिड्स है जिनकी प्रेजेंस में बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन होता है। अब दिखा कह सकते हैं इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी। कीटोन हमने ये लिया, पर एसिड की प्रेजेंस में ये एस्टर में चेंज हो गया। अब देखिए इसमें और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक ऑक्सीजन जो है इंसर्ट हो गई है सी और आर डैश के बीच में। तो यही इसमें करना भी होता है, और यही इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। कैसे होगा मैकेनिज्म वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हमने ले लिए साइक्लिक कीटोन्स, तो साइक्लिक कीटोन्स आर कन्वर्टेड टू लैक्टोन्स विद रिंग एक्सपेंशन। साइक्लिक कीटोन्स में हमें एक्सपेंशन देखने को, रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलता है, और इसमें साइक्लिक एस्टर्स बनते हैं। साइक्लिक एस्टर्स को हम बोल देते हैं लैक्टोन्स। देखिए, ये हमने 5 मेंबर्ड एक ले रखा है कीटोन, जिसको जैसे साइक्लोपेंटेनोन ले लिया, पर एसिडिक प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग थी, अब ये 6 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो गई, तो रिंग एक्सपेंशन हो गया और ये साइक्लिक एस्टर बन गया जिसको हम लैक्टोन बोल रहे हैं। तो इस तरह से कीटोन का एस्टर में बनना इन प्रेजेंस ऑफ पैरासिट या हाइड्रोजन परऑक्साइड, वही होता है बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो भी हमने कीटोन लिया हुआ है, ये कीटोन हमने ले रखा है। अब कीटोन क्योंकि रिएक्शन पर एसिड की के साथ हो रही है, तो जाहिर सी बात है मीडियम तो काफ़ी एसिडिक होगा और उसमें H प्लस भी काफ़ी सारे होंगे। तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो इस कीटोन का प्रोटोनेशन होता है। कीटोन का प्रोटोनेशन कैसे हो सकता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस एच प्लस को दे देगा, और जब ऑक्सीजन इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये ऑक्सोनियम आयन बना है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। देखिए, अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ऑक्सीजन का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, अब कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यानी ये कार्बोनियम आयन यहाँ पर एक फॉर्म हो गया है। अब इस कार्बोनियम आयन पर रिएक्शन होगी पर एसिड की। जैसे इस रिएक्शन में स्पेशली सपोज हमने पर बेंजोइक एसिड लिया हुआ है, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा कि पर बेंजोइक एसिड का इस कार्बोनियम आयन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, इस ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इस कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज, तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वहाँ पर रिएक्शन होती ही होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन पर अटैक कर देंगे, और जो इससे H जुड़ा हुआ है ये इस तरह से निकल सकता है।
इलेक्ट्रॉन क्या एक्चुअल में क्या होगा, ये जो पर बेंजोइक एसिड है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पर बेंजोइक एसिड का जो एच प्लस था उसने पहले अटैक कर दिया, अब खाली यहाँ पर बेंजोइट आयन जो है वो बचे हैं। या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहीं पर अगर हम पर बेंजोइक एसिड ले रहे हैं तो ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो एच प्लस इसमें से निकल जाएगा और ये बचेगा हमारे पास, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये पर बेंजोइट आयन जो है हमारे पास बन जाएंगे और नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब जो कंपाउंड हमारे पास बना वो कुछ इस तरह का बना कि ये कार्बन से दो आर जुड़े हुए हैं तो हमने ये दो आर यहाँ दिखा दिए, इस कार्बन से एक OH है तो ये OH दिखा दिया, इसी कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा है जिस पर नेगेटिव चार्ज था, तो इस कार्बन का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव जो है वो आपस में न्यूट्रलाइज हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ और फिर बाकी तो सारा एज इट इज हमने इसको लिख दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि दो हेट्रो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी कभी दो हेट्रो एटम के बीच में बॉन्ड होता है तो वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। तो वो वीक बॉन्ड क्यों होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर और लोन पेयर में क्योंकि रिपल्शन होता है इसलिए ये बॉन्ड काफी वीक होता है। तो यहां से क्या होगा, ये जो बेंजोइट आयन है वो अलग हो जाएंगे, यानी कि ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। और टूटेगा कैसे कि इस बेंजोइट आयन पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब इस पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड ओ के साथ क्योंकि डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, इसका मतलब ये काफी स्टेबल हमारे पास आयन, बेंजोइट आयन जो है वो काफी स्टेबल बन के भी आ रहे हैं। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं यहां पर ये ऑक्सोनियम आयन जो है वो फॉर्म हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा माइग्रेशन ऑफ आर डैश। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को यहां पर खत्म करना है, तो ये माइग्रेशन यहां पर हो रहा है। और माइग्रेशन जब होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि अभी तक हम जितने भी रीअरेंजमेंट देखे हैं वहां पर होता आया है कि जो आर डैश है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा, यानी पास वाले एटम पर चला जाता है। तो जब ये इस पर जाएगा तो इस ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ जाएगा, आर डैश तो पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया क्योंकि आर डैश नेगेटिव चार्ज के साथ आ रहा है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अब इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो सकता है कैसे, अगर ये ऑक्सीजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो हमारे पास ये एक आयन जो है फॉर्म होके आएगा। तो माइग्रेशन ऑफ आर डैश यहाँ पर क्यों हुआ, यानी इस स्टेप का ड्राइविंग फोर्स क्या था। अगर आप यहाँ ऑक्सीजन देखें तो इस ऑक्सीजन के पास खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और अगर आप इस आयन को देखें तो यहाँ पर हर ये जो कार्बन है इसके पास भी पूरे चार बॉन्ड क्लियर हैं, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। भले ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है और कार्बन का ऑक्टेट भी यहाँ पर कंप्लीट है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। तो यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स भी था कि माइग्रेशन यहाँ पर क्यों हुआ, ताकि हम जितने भी हमने एटम्स लिए हुए हैं सबका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो H+ हमने स्टार्टिंग में लिया था वो H+ वापस चला जाता है और हमारा जो है वो एस्टर फॉर्म होके आ जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या, इस तरह से इसकी मैकेनिज्म, जैसे बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, अभी तक हम देखते हुए भी आए हैं, इसी तरह से सब में हुई भी है। अब इसमें क्या है, जो लास्ट के 3 स्टेप्स मैंने दिखाए ये तो मैंने आपको अलग अलग दिखा दिए, एक्चुअल में ये सब कुछ एक साथ होता है, यानी कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, सब कुछ साइमल्टेनियसली हो जाता है इसमें। तो लास्ट जो 3 स्टेप्स हैं वो कंसर्टेड हैं, भले ही मैंने आपको अलग अलग दिखाए हैं, क्यों, क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड किया, यानी अगर आपके पास ये बन के आ जाएगा तो आप इसको एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और तभी के तभी ये आर डैश जो है यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और ये एच प्लस यहाँ से निकल के यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं बॉन्ड को। तो ये पूरी एक ही स्टेप में आप इस रिएक्शन को दिखा भी सकते हैं। तो ये इसकी पूरी मैकेनिज्म थी कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब हम आते हैं इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे कि बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन में हमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है। एक तो सबसे पहले इसमें माइग्रेटिंग ग्रुप ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको अब तक बताया भी है कि माइग्रेटिंग ग्रुप ऑर्डर क्या होता है हमारा, जैसे हम अभी तक जो देखते आ रहे थे H, pH और R, नॉर्मल हम ये देखते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये तो आपको जितने भी कहीं पर भी आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाना है तो आप हमेशा यही ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और R में भी मैंने आपको बताया था टर्शरी का ज़्यादा, सेकेंडरी का कम, फिर
प्राइमरी का कम और सीएसटी का सबसे कम। लेकिन बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता है, ये पीएच का ज़्यादा हो जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन में ये वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पीएच इससे पहले आ जाता है बस। बाकी सारे रिएक्शंस में आपको यही ऑर्डर जो है फॉलो करना है, लेकिन बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन में आपको ये वाला ऑर्डर फॉलो करना होगा, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस देखी गई उसी के बेसिस पर ये जो बना है। एक्चुअल में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का रीज़न, मतलब क्यों हो रहा है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जैसे क्योंकि जो भी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन रही है उसी के पास माइग्रेटरी ग्रुप जा रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर देखी जा रही है माइग्रेटरी ग्रुप की। तो जिसकी भी डोनेटिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना अच्छा होता है। तो अगर हमने एल्काइल ग्रुप लिया है, मतलब कि अगर कीटोन से दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मान लीजिए एक टर्शरी एल्काइल ग्रुप है दूसरा सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, तो वहां पर हम टर्शरी एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे। टर्शरी का सबसे ज़्यादा होता है एल्काइल ग्रुप्स की अगर हम बात करें, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का और फिर लास्ट में सी एच थ्री का। और अगर हम एराइल ग्रुप्स की बात करें तो एराइल ग्रुप्स में भी आपको सिर्फ यही चेक करना है कि जो भी एराइल ग्रुप हमने लिया है, अगर उससे जो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो उसका सबसे ज़्यादा होगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है तो उसका सबसे कम होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पैरा एनिसाइल ग्रुप है, यहाँ पर ओ सी एच थ्री, तो ये ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस रिंग को दे सकता है, तो ये रिंग फिर आगे दे सकती है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है। तो पैरा एनिसाइल ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है, फिर टॉलाइल ग्रुप हो गया, फिर ये सिंपल फिनाइल ग्रुप हो गया, फिर क्लोरोफिनाइल है और फिर नाइट्रोफिनाइल है। तो ये एक ऑर्डर यहाँ पर हमें याद करना पड़ेगा, याद भी नहीं करना, इसको आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर वाले ग्रुप का हमेशा ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर वाले ग्रुप का हमेशा कम होगा। लेकिन अगर हमने ले रखा है ऐसा कीटोन जिसमें एक एल्काइल ग्रुप है और एक एराइल ग्रुप है, तब आपको ये ऑर्डर ठीक से याद करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, टर्शरी एल्काइल का सबसे ज़्यादा होता है, फिनाइल से भी ज़्यादा होता है। नॉर्मल में हमने क्या दिखाया था कि टर्शरी का कम होता है फिनाइल से, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ टर्शरी एल्काइल का सबसे ज़्यादा, फिर साइक्लोहेक्साइल का, फिर सेकेंडरी एल्काइल, फिर बेंजाइल, फिर एराइल, प्राइमरी एल्काइल, साइक्लोप्रोपिनाइल और मिथाइल ग्रुप। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसका सेकेंड फीचर क्या था कि ये जो मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है कि जो ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है, अगर हम इसको लेबल्ड कर दें, कीटोन में जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होती है वही कार्बोनिल ऑक्सीजन इस एस्टर में भी रहती है। मतलब ये अगर हमने ओ 18 ले रखा है कार्बोनिल ऑक्सीजन का, तो यहाँ एस्टर में जो हम कार्बोनिल ऑक्सीजन दिखाएंगे वो भी ओ 18 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से इस एस्टर में भी प्रेजेंट रहती है, जिस तरह से ये कीटोन में प्रेजेंट रही थी वैसे ही एस्टर में प्रेजेंट रहती है। और इसका थर्ड फीचर क्या हो गया कि ये तो हम हमेशा भी पढ़ते आ रहे हैं कि माइग्रेटरी ग्रुप रिटेन्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन, जब भी माइग्रेशन होगा तो जो ग्रुप माइग्रेट करेगा अगर उसका आर कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट में भी उसका आर ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, अगर वो एस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका भी एस ही रहेगा। ये बात हम पहले भी काफ़ी सारे रीअरेंजमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब हमने बात की कीटोन के बारे में, अब आती है एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड के केस में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड की अगर हम पर एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें एसिड ही मिलते हैं, तो वो तो हम किसी भी नॉर्मल रिएक्शन से करा सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं तो एल्डिहाइड को वो ऑक्सीडाइज कर देगा और वो एसिड ही बनाएगा, तो यहाँ एस्टर यहाँ पर फॉर्म होकर नहीं आ रहे। तो अगर हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती ये रिएक्शन। यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि R और H में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H का ज्यादा होता है, और जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है हमें ऑक्सीजन उधर ही लगानी होती है, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। तो अगर हम ऑक्सीजन यहां लगा दे रहे हैं तो एसिड ही बन के आ रहा है, तो एसिड तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड की रिएक्शन करा देंगे तो बन के आ जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं जहां पर हमें ये रिएक्शन थोड़ी सी यूजफुल लगती है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स अगर हम लेते हैं तो हमारे पास एस्टर बन के आते हैं। क्यों? क्योंकि एराइल ग्रुप और एच के बीच में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एराइल ग्रुप का ज्यादा होता है, एराइल कह लो या फिनाइल कह लो इसको कुछ भी, तो जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है हमें ऑक्सीजन उधर ही लगानी है, क्योंकि मैकेनिज्म में भी हमने ऐसे ही देखा। तो ये एराइल फॉर्मेट्स हमारे पास बन के आ जाते हैं, तो यहां पर हम एस्टर बना सकते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के केस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, एलिफेटिक में तो बिल्कुल भी नहीं है, एरोमेटिक में भी कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ऐसे हैं जहां पर हमें एस्टर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पर्टिकुलरली ये रिएक्शंस कीटोन्स के बारे में ही होती है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म तो हम कर ही लेंगे पर कॉम्पिटिशन में क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक इसकी बहुत ईजी है कि जिस भी ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है बस आपको ऑक्सीजन उधर ही की साइड लगा देनी है और कुछ नहीं करना है इसमें।
में। जैसे कि अगर हमने यहाँ देखा, ये हमने एक कीटोन ले रखा है, फिनाइल मिथाइल कीटोन। अब इसमें क्या है, फिनाइल ग्रुप का क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल ग्रुप से ज्यादा, आर से ज्यादा है ना यहाँ पर, और आर में भी सारे आर से ज्यादा नहीं होता, टर्शरी अल्काइल का सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी अल्काइल का भी इससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तो सिंपल मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए फिनाइल ग्रुप का ज्यादा है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है हम इधर ही की साइड इंसर्ट कर देंगे। तो C6H5 की तरफ या कार्बन और C6H5 के बीच में ऑक्सीजन जो है इंसर्ट हो जाएगी। तो ये कार्बन और C6H5 के बीच में हमने एस्टर वो ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट कर दिया, तो इस तरह से ये फिनाइल एसिटेट यहाँ पर फॉर्म होकर आ गया है। अच्छा, अगर हम ले लें एक मिथाइल ग्रुप और कीटोन के दूसरी साइड हो टर्शरी अल्काइल ग्रुप, तो टर्शरी अल्काइल ग्रुप का मिथाइल ग्रुप से भी ज़्यादा होता है। ये जैसे मैंने आपको दिखाया था ये वाला, अगर आप यहाँ देखें टर्शरी अल्काइल तो बिल्कुल स्टार्टिंग में है और CH3 सबसे लास्ट में, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्योंकि इससे ज़्यादा है, इसीलिए हमने ऑक्सीजन जो है इधर की साइड इंसर्ट करनी है इस कार्बन और इस टर्शरी अल्काइल ग्रुप के बीच में। तो यहाँ पर हमने इसको इंसर्ट कर दिया, तो फिर ये टर्शरी अल्काइल एसिटेट बन के आ गया। अच्छा, अगर हम कोई साइक्लिक कीटोन ले रहे हैं तो साइक्लिक कीटोन में रिंग एक्सपेंशन होगा, अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अब आप देखें यहाँ डबल बॉन्ड ओ से, यानी कि जो भी हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया हुआ है उसके इधर की साइड भी CH2 है और यहाँ पर भी CH2, तो दोनों ही ग्रुप जब सेम है यानी एक सिमिट्रिकल कीटोन हुआ। तो जब सिमिट्रिकल कीटोन होता है तो आप ऑक्सीजन को कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे आप इधर इंसर्ट कर दीजिए और चाहे आप इधर इंसर्ट कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही ग्रुप सेम है। तो सिमिट्रिकल कीटोन्स के केसेस में तो आप किधर की साइड भी ऑक्सीजन को इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया और 7 मेंबर्ड रिंग बन गई और सिंपल वैसे का वैसे लिख दिया। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, अनसिमेट्रिकल कीटोन से मतलब होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ से इधर दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप जो है अटैच्ड है, तब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना पड़ता है। अब देखिए ये वाली कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सी कार्बन हो जाएगी, टर्शरी कार्बन। और ये वाली कार्बन अगर हम देखें, ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगी सेकेंडरी कार्बन। तो क्योंकि टर्शरी कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सेकेंडरी से ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन को हम यहाँ इंसर्ट करेंगे। तो वही ऑक्सीजन हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी और ये 6 मेंबर रिंग थी और ये 7 मेंबर रिंग में चेंज हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें, यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपिनाइल ग्रुप ले रखा है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप सॉरी। तो ये जो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो CH3 से ज़्यादा होता है। तो जब CH3 से ज़्यादा होता है तो हमें साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप की तरफ को ऑक्सीजन जो है वो ऐड कर देना है। तो ये यहाँ पर हमने इस ग्रुप को ऐड किया, मतलब ऑक्सीजन को हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये ऑक्सीजन हमने इधर की साइड ऐड कर दी, तो ये हमारा कंपाउंड यहाँ बन के आ गया। अच्छा, अगर हम इस तरह से कोई किसी डबल बॉन्ड से, एक तरफ तो फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक तरफ ये नाइट्रोफिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब नाइट्रोफिनाइल, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से ज़्यादा अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका होगा। ये तो हमने पहले भी देख लिया है यहाँ पर कि अगर हम ये कंपेरिजन कर रहे थे जब एराइल ग्रुप का, तो फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इससे ज़्यादा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की हेल्प से ही तो हम इसको देखते हैं कि जिसकी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगी उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्योंकि इस फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर इसको ऑक्सीजन को जो है वो अटैच कर दिया, तो यहाँ ऑक्सीजन को ये अटैच किया है। अब एक लास्ट चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि अगर हमने 1,2 डाई कीटोन्स लिए हैं, यानी दोनों कार्बोनिल ग्रुप यानी दोनों कीटोनिक ग्रुप बिल्कुल पास पास में हैं, तब हम वहाँ पर एस्टर्स ना बन के यहाँ पर एनहाइड्राइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो सिंपल क्या करना है कि दोनों के बीच में बस ऑक्सीजन लगा देनी है यहाँ पर, तो एनहाइड्राइड तो ऐसे ही बनते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ दो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में ऑक्सीजन जो है इंसर्ट कर दी जाती है। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिए कि 1,2 डाई कीटोन्स के केस में कोई एस्टर न बन के यहाँ पर एनहाइड्राइड जो है फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से ये बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।